हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद। इस वीडियो में मैं जो है जियो के इंटरनेट जो स्पीड है उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, इस एड्रेस पर आना है। यहाँ सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको घंटी मिलेगा, इसको क्लिक करना है। उसके बाद बॉक्स आएगा, चेक मार करके सेव कर दीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर जाओगे और फिर मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन अलर्ट्स आपको सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले आप मेरा वीडियो वॉच कर पाओगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको इग्नोर ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जियो के इंटरनेट स्पीड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अक्सर मोबाइल यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जियो यूज कर रहे हैं और अक्सर जो है अपना डाटा का स्पीड चेक करते रहते हैं। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनके हेल्प से आप अपना डाटा का स्पीड चेक करते रहते हो, अपना इंटरनेट का स्पीड चेक करते रहते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कम कीमत में डाटा स्पीड मिल रहा है जियो में, ठीक है। मतलब कि एक मेंटेलिटी कुछ लोगों का बना हुआ है, कम कीमत में इतना इंटरनेट अगर मिल रहा है जियो के द्वारा तो इसका स्पीड कम होगा, ठीक है। कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर जियो का उतना कवरेज नहीं है, तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ गया है कि हमको कम कीमत में मिल रहा है इसलिए इंटरनेट अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर ट्राई के अनुसार, ठीक है, ट्राई के अकॉर्डिंग यह साबित हो गया है। ट्राई ने यह साबित कर दिया है, यह बता दिया है, यह न्यूज़ दे दिया है कि सबसे ज़्यादा अभी कोई इंटरनेट स्पीड अगर किसी का है तो वो जियो का है, ठीक है, ट्राई के अनुसार। तो यह गलतफहमी दूर हो गया है कि इंटरनेट स्पीड यहाँ कम मिलता है, यह दूर हो गया है। जियो का इंटरनेट स्पीड जो है सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में चल रहा है। अभी जो है जुलाई मंथ में औसत स्पीड अगर देखा जाए तो ट्राई के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्पीड है जियो का। और यह स्पीड जो है केवल एक महीने का नहीं, लगभग 7 महीनों से जो है सबसे ज़्यादा औसत स्पीड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा औसत स्पीड जो है जियो कंपनी के द्वारा मिल रहा है, ठीक है। ट्राई के अकॉर्डिंग जो है मौजूदा जितनी भी कंपनियां हैं जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, एक आइडिया हो गया, सभी को जियो ने पछाड़ दिया है स्पीड के मामले में, इंटरनेट स्पीड के मामले में। सबसे ज़्यादा अभी आगे जो अभी कंपनी है वो है जियो है। ये मेरे पास न्यूज़ के माध्यम से कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। जुलाई में जियो का डाउनलोड स्पीड है 18.331 MBPS, सबसे ज़्यादा है। जबकि देश का जो सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, उसका जो स्पीड है वो सबसे आधा है, मतलब कि जियो से आधा है, 9.266, ठीक है, जो कि दूसरे नंबर पर है। वहीं पर आपका वोडाफोन हो और आपका का जो स्पीड है वोडाफोन का नया है स्पीड 9.325 MBPS और आइडिया सेलुलर का स्पीड जो है आपका 8.833 MBPS। तो सबसे ज़्यादा आप इस आंकड़ा में देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी का है तो वो है आपका जियो कंपनी का, 18.331 डाउनलोड स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो अभी चमक गया है यह पूरा कंपनी और लोग जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। मैं खुद भी जियो यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है जियो। यहाँ पर मेरे पास कुछ न्यूज़ है। जियो का जो एक साल पहले सफ़र चालू हुआ था और इसमें आपका पहले क्या था, जियो के पहले जो है आपका यूसेज था डाटा का 20 करोड़ GB डाटा प्रति महीना, ठीक है। अब जो हो गया है 150 करोड़, तो सोचिए कितना ज़्यादा ये इंक्रीज हुआ है जियो के आने से डाटा, ठीक है। जियो का दावा है यूजर अकेले ही, मतलब जियो के अनुसार जो है 125 करोड़ जीबी डाटा वो अकेले इस्तेमाल करता है। मतलब दूसरे भी और भी बहुत सारे कंपनी है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो उससे कहीं ज़्यादा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जियो नेटवर्क और अन्य सभी दूसरे कंपनियों के खपत को मिलाकर के खपत का 5 गुना, मतलब दूसरे कंपनी जितना यूज करते हैं उसका 5 गुना ज़्यादा जो है अकेले जियो यूज करता है। तो पहले जियो आने के पहले जो है डाटा इस्तेमाल के अगर देखा जाए तो डाटा इस्तेमाल जो होता तो उसके आधार पर जो है इंडिया का जो रैंक था 155 रैंक था, लेकिन आज
जो इंडिया में जियो के आने के बाद जो डाटा यूज हो रहा है इंडिया में उसके अनुसार जो है इंडिया का सबसे स्थान हो गया बड़ा। है। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में इंटरनेट को अभी यूज कर रहे हैं, इसका पहला नंबर पर आने का मतलब यही है। और हर सेकंड में 7 यूजर्स जुड़ रहे हैं जियो के साथ। किसी भी दूसरा जो मोबाइल नेटवर्क है, एयरटेल हो चाहे वोडाफोन हो चाहे आइडिया हो, उससे तुलना किया जाए ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो है यूजर्स कस्टमर्स जो है जियो के साथ जुड़ रहे हैं। कंपनी का 170 दिन में जो है हर सेकंड जो है 7 यूजर्स को जुड़ा है और अभी 100 मिलियन का आंकड़ा जो है कंपनी ने पार कर लिया है। आज जियो नेटवर्क के साथ लगभग जो है 130 मिलियंस यूजर जुड़ चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा है ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और चूंकि इंटरनेट जो यह आपको प्रोवाइड कर रहा है इतने सस्ते रेंज रेट में प्रोवाइड कर रहा है, जिसके चलते इसका पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और इसके साथ जो है इसी यही रीजन है कि बहुत सारे कस्टमर बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि अपना अपना नेटवर्क छोड़ के मोबाइल पोर्टेबिलिटी के द्वारा जो है वो जियो में जा रहे हैं। मैंने खुद भी जो है अपना पोर्टेबिलिटी करवाया है, मैं पहले एयरटेल में था लेकिन अब मैं जो है जियो में पहुंच गया हूँ। मैंने जो मोबाइल पोर्टेबिलिटी का जो फैसिलिटी है उसके यूज करके मैं जियो में पहुंचा हूँ, तो काफ़ी अच्छा यह यहाँ पर सर्विसेज मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका नॉलेज बढ़ा होगा इसके द्वारा। और दोस्तों ये मेरा अभिषेक आनंद ब्लॉग है, आप इस ब्लॉग पर जरूर आएँ, कॉन्टेक्ट में जाकर मेरा व्हाट्सअप मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का ग्रुप लिंक आप जुड़ सकते हो और ये वेबसाइट पर आइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को भी वॉच करते रहिए, मेरे वेबसाइट को भी विजिट करते रहिए ताकि आपको लेटेस्ट नॉलेज हमेशा मिल सके। और ये कुछ लिंक्स दिए गए हैं, इनको जरूर फॉलो कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिल सके। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आना है, इस एड्रेस पर आना है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर घंटी को क्लिक करना है, ये बॉक्स आएगा इसको चेक करके सेव कर दीजिए, आप मेरे सब यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब हो जाओगे और मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा ठीक। और दोस्तों लास्टली अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, डेली आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत खुशी होती है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो प्लीज़ जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस तरह मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।